निर्वाचित होने के बाद पथरिया विधायक लखन पटेल जनता के बीच पहुंचे। बटियागढ़ क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान अनेक लोग मौजूद रहे। पथरिया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक लखन पटेल के प्रथम नगर आगमन पर बटियागढ़ में भव्य स्वागत किया गया। अंबेडकर की प्रतिमा पर विधायक के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद बैंड बाजों और जय श्री राम के जय घोष के साथ पूरा कस्बा गुंजायमान हो गया। विधायक द्वारा एक नए चौक का उद्घाटन भी किया गया, जिसका नाम श्री राम चौक रखा गया। यहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और ध्वज फहराया गया। इसके बाद विधायक हनुमान मंदिर, राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर पहुंचे, जहां माथा टेक कर उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अक्सर भाजपा पर ये सवाल उठाते थे कि वे रामलला का मंदिर कब बनाएंगे, अब रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी का सोच है कि हमने जो योजनाएं चलाई हैं उन योजनाओं का बराबर लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो उस कैंप में जा करके और अपना आवेदन भी दे सकता है, अपनी सूचना भी दे सकता है, जिससे उस योजनाओं का लाभ मिल सके। यही बात और कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत नहीं है किसी की जनता के बीच में जाके पूछे कि क्यों भैया हम काम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि हम काम ईमानदारी से कर रहे हैं, हमारी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही, जनता का हित करना चाहती है, इसलिए हम गांव-गांव जा करके, पंचायत जा करके और ये काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं सभी जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां जहां पर भी ये कैंप लग रहे हैं वहां पहुंचें और अपना इन कैंप का लाभ उठाएं।